जय श्री राम मेरे सभी दोस्तों, मेरे सभी भाई और बहनों। 22 जनवरी 2024 को हमारे राम मंदिर का जो इनॉग्रेशन है, जो प्राण प्रतिष्ठा है, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। लोग दर्शन करने जा रहे हैं, श्री राम का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, और जो बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारी तरफ से राम मंदिर के बनने की खुशी में एक छोटा सा तोहफा आप सभी के लिए। उत्तर प्रदेश का संपूर्ण जीके का महामैराथन चालू होने जा रहा है बीएचयू पाठशाला के हमारे ऑफिशियल चैनल पर, जिसपे हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश का संपूर्ण परिचय, प्रमुख नृत्य, प्रमुख उद्योग, प्रमुख खनिज, प्रमुख पक्षी विहार, प्रमुख दर्शनीय स्थल, प्रमुख बांध, शोध संस्थान, संग्रहालय और अन्य टॉपिक जो कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के इस एग्जाम में बहुत ज्यादा महत्व रखने वाले हैं। फ्रेंड, सरकारी नौकरी के लिए बहुत जरूरी होने वाला है ये वीडियो। बीएचयू पाठशाला की तरफ से अभी तक आपको सीयूईटी से संबंधित वीडियो जाती रही थी, पर ये जो वीडियो होने वाला है ये उन बच्चों के लिए होने वाला है जो कि ग्रेजुएशन में कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और अन्य गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो इस कंप्लीट वीडियो में, इस महामैराथन की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश स्टैटिक जीके स्पेसिफिक के सारे टॉपिक्स जो कि आपके सामने बोर्ड पर लिखे गए हैं। और राम जी के आशीर्वाद को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे इस वीडियो में, जिसमें कंप्लीट उत्तर प्रदेश का जीके हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। एक बार मैं आपके लिए दिखा देता हूं कि इस पूरे वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश का एक सामान्य परिचय रहने वाला है दोस्तों, उसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य, प्रमुख उद्योग, प्रमुख खनिज, प्रमुख पक्षी विहार, प्रमुख दर्शनीय स्थल, प्रमुख बांध, प्रमुख शोध संस्थान, प्रमुख संग्रहालय, प्रमुख हवाई अड्डे, वन्य जीव अभयारण्य, प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग और उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले सभी स्टेट्स, उत्तर प्रदेश का एक लघु इतिहास देखेंगे। और आपको एक बात बता दूं, इसमें जो कंटेंट रहने वाला है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रहने वाला है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने के बाद उन्हीं टॉपिक्स को उठाया जो कि बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। तो बिना किसी देरी के और हमारे राम जी के आशीर्वाद के साथ में हम आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो पहला टॉपिक हमारा रहने वाला है उत्तर प्रदेश का कंप्लीट स्टैटिक जीके का एक छोटा सा परिचय। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य है। यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा व क्षेत्रफल की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है दोस्तों, अभी तक जो भी वीडियो आप लोगों ने यूट्यूब पर देखी होगी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए, वो ऑब्जेक्टिव टाइप में रही होगी, पर इस कंप्लीट वीडियो में हम सब्जेक्टिव रहने वाले हैं, थ्योरेटिकल रहने वाले हैं, जिसमें कि हम सारे फैक्चुअल चीजों को जानेंगे। एग्जाम के एक दिन पहले इस वीडियो को चला करके 2x पर करके रिवाइज भी आप कर सकते हैं, इस बात का भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं। बिना किसी देरी के ये शुरू करते हैं। तो उत्तर प्रदेश उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है। ठीक है, उत्तर में स्थित एक राज्य है जहां जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से पांचवा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा राज्य है, माफ कीजिएगा यहां चौथा होगा। ठीक है, चौथा सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और इलाहाबाद इसका जो है न्यायिक राजधानी है। कभी कभी पूछ लेता है उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है, तो इलाहाबाद होती है। उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 9 राज्यों से लगी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो कुल 9 राज्यों से लगी हुई है। राज्य के उत्तर में उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश के जो हमारे है, उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान और दक्षिण में मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ और पूर्व में बिहार तथा झारखंड राज्य स्थित है। तो ये वो राज्य है जो कि उत्तर प्रदेश के आसपास में फैले हुए हैं। इसके अतिरिक्त राज्य की पूर्वोत्तर दिशा में नेपाल देश है। ठीक है दोस्तों, नेपाल देश जो है वो उत्तर प्रदेश की पूर्वोत्तर दिशा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। ये तो बच्चा भी बता देगा आपको उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, 75 जिले हैं। प्रदेश की सबसे पूर्वी जिला जो होता है वो बलिया होता है, सबसे पश्चिमी जिला जो है वो शामली होता है और सबसे जो उत्तरी जिला है वो सहारनपुर होता है और सबसे जो दक्षिणी जिला है वो हमारा सोनभद्र जिला होता है। अभी इन जिलों से रिलेटेड भी स्पेसिफिक कंटेंट हम आगे पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। ये कई बार आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा कि जो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य है भारत का वो कौन सा है, तो वो मध्य प्रदेश है। तथा सर्वाधिक सीमा की लंबाई भी मध्य प्रदेश के साथ है। यानी सीमा से अगर हम देखें अपनी लंबाई की उत्तर प्रदेश की, तो वो मध्य प्रदेश के साथ में है। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23° 52' उत्तरी अक्षांश से 30° 24' उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, अगर पूछे आपसे अक्षांशीय विस्तार उत्तर प्रदेश का कितना होने वाला है दोस्तों, तो 23° 52' उत्तरी अक्षांश से 30° 24' उत्तरी अक्षांश होने वाला है। तथा 77° 5' पूर्वी देशांतर से 84° 38' पूर्वी देशांतर तक उत्तर प्रदेश का विस्तार है। यह आपको बहुत ही
महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि आपको देखते हुए चलना है अगर आप उत्तर प्रदेश की किसी भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज की। तो पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण तक उत्तर प्रदेश की जो लंबाई रहने वाली है वो हमारी 240 किलोमीटर रहने वाली है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले चार जिले जो है वो कौन कौन से है? लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी जो है वो सबसे ज्यादा क्या रहने वाला है? पूर्व से पश्चिम, ये ध्यान रखिएगा, पूर्व से पश्चिम तक इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 650 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई है 240 किलोमीटर। ये फैक्ट हमने देख लिया अभी को। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जो चार जिले हैं वो लखीमपुर खीरी प्रथम नंबर पे आता है जिसका कितना वर्ग किलोमीटर है? 7680 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, लखीमपुर खीरी का। सोनभद्र 6905, ठीक है, 6905 जो है वो आपका सोनभद्र, यानी 6905 किलोमीटर वर्ग। हरदोई आपका जो होता है वो 5986 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और सीतापुर जो होता है, देखिए कितना शुभ नाम है ये हमारे जिले का, सीतापुर जो है वो 5743 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस बात को आपको ध्यान रखते हुए चलना है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले चार जिले, देखिए अगर आप अधिकतम ध्यान में रख रहे हैं तो न्यूनतम अभी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि जो न्यूनतम वाले जो जिले होते हैं ना वो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं पूछने में। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिएगा। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जो चार जिले हैं वो हापुड़ जो कि 660 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, गाजियाबाद जो कि 910 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, भदोही या जो आपका संत रविदास जी नगर है वो कितने में फैला हुआ है? 1015 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और साथ ही साथ शामली जो है वो कितने में फैला हुआ है? तो 1043 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी कि हमारी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हमारा होने वाला है कौन सा? हापुड़ होने वाला है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा होने वाला है? लखीमपुर खीरी होने वाला है। तो इसी के साथ में दूसरे स्लाइड पर चलते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया कहलाता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया होता है। उसके बाद पश्चिमी जिला आपका शामली होता है, पश्चिमी जिला जो होता है उत्तर प्रदेश का सबसे वो शामली होता है। उत्तर जिला जो होता है सहारनपुर और दक्षिणी जिला जो होता है वो सोनभद्र होता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी ये फैक्ट बताए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने के बाद बताए जा रहे हैं, तो आपको संपूर्ण वीडियो को एक बार में देखना है, अच्छे से देखना है और अपनी जो ये चीजें हैं इसको कंठस्थ कर लेनी है। उत्तर प्रदेश की सीमा एकमात्र देश नेपाल से उत्तर में मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। नेपाल से उत्तर प्रदेश के सात जिले महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत सीमा बनाते हैं। फ्रेंड्स अगर हमें ये पता है कि नेपाल के साथ में हमारा जो बॉर्डर है अगर उत्तर प्रदेश का, तो कौन कौन से हमारे जो जिले रहने वाले हैं? तो वो ये जिले रहने वाले हैं। टोटल सात जिले आपके लगते हैं नेपाल से। उत्तर प्रदेश की नेपाल सीमा से लंबाई लगभग 579 किलोमीटर है, 579 किलोमीटर जो है हमारी नेपाल की सीमा से लंबाई है। विभिन्न राज्यों से लगे उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, अब देख लेते हैं हम विभिन्न राज्यों से लगे जो उत्तर प्रदेश के जिले होने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। तो हिमाचल प्रदेश से लगने वाले जिले आपके हैं सहारनपुर, हरियाणा से लगने वाला जो आपका जिला है वो भी है सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़ और मथुरा, यानी ये जो जिले आप देख रहे हैं ये सारे जिले हिमाचल प्रदेश से लगने वाले हैं। अब देख लेते हैं राजस्थान से लगने वाले हमारे कौन कौन से जिले हैं, तो मथुरा और आगरा जो है वो राजस्थान से अपनी सीमा साझा करते हैं। मध्य प्रदेश से लगने वाले जिले आपके आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बौदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर और सोनभद्र है। दोस्तों लगता है कि मध्य प्रदेश से सारे ही जिले एक तरह से मिल रहे हैं, है ना, लेकिन ऐसा तो नहीं है संभव, 75 जिले होते हैं हमारे टोटल। तो मध्य प्रदेश से लगने वाले जो जिले हैं वो बहुत अधिक है, इसको जरूर क्वेश्चन में आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ से लगने वाला जिला सोनभद्र, झारखंड से लगने वाला जिला सोनभद्र, बिहार से लगने वाला जिला सोनभद्र। दोस्तों एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, सोनभद्र कई सारे राज्यों के साथ में अपना जो बॉर्डर है उसको साझा कर रहा है, तो इस बात की ध्यान रखिएगा कि सोनभद्र किन किन राज्यों से या सोनभद्र किन कितने राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, इस बात का बखूबी ध्यान रखें। और साथ ही साथ सबसे अधिक जो हमारा जो जिला होते हैं किस प्रदेश के साथ में साझा करते हैं, तो मध्य प्रदेश के साथ में साझा करते हैं, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं बिहार हमारा सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज के साथ में अपना सीमा को साझा करता है दोस्तों। उसके बाद उत्तराखंड जो है वो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत के साथ में अपना जो बॉर्डर है वो साझा करता है, माफ करिएगा। दिल्ली जो है वो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के साथ में
अपना बॉर्डर साझा करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया बॉर्डर की बात, अब बात कर लेते हैं कुल जनसंख्या की। अपने उत्तर प्रदेश की जनसंख्या संबंधित तथ्यों की बात अब हम इस माध्यम से कर लेते हैं। राज्य की कुल जनसंख्या 199,812,341, ठीक है, यानी कि आपका 199,812,341 है। ये 2011 के लिए हुए आंकड़े हैं दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है 2020 के बाद वाला जो सेंसस था वो टल चुका है, तो हम 2011 वाले आंकड़ों को ही पढ़ेंगे ध्यान से, ठीक है। तो राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है दोस्तों, 199,812,341। कुल पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, 104,480,510। और कुल महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, 95,331,831। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको आपको ध्यान में रखना है, इनको परसेंटेज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। देश की जनसंख्या में प्रतिशत, देखिए ये तो हम सभी लोग पढ़ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी होती है, पर देश की कुल जनसंख्या में हमारा प्रतिशत कितना रहने वाला है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा परसेंटेज जो होता है वो अपनी जनसंख्या का शेयर करता है पूरे भारत के साथ में, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पूरे भारत का प्रथम राज्य होता है, ठीक है। तो भारत की जनसंख्या में इसकी भागीदारी है 16.50%। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद, ठीक है। सब सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश में, तो हमारा इलाहाबाद, जिसकी नाम बदल करके अब प्रयागराज पड़ चुका है, ठीक है दोस्तों। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हमारा महोबा है, ठीक है। महोबा हमारा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। दशकीय वृद्धि दर 2001 से लेकर के 2011 के दौरान दशकीय वृद्धि दर उत्तर प्रदेश की कितनी थी, तो 20.23% थी, जो कि अच्छी मानी जाती है। दशकीय वृद्धि में दर में राज्य का स्थान क्या था 2001 से लेकर 11 तक में, तो 14% था। ये किसमें था, हमारा जनसंख्या की दृष्टि था, ठीक है। ये जीडीपी से लेना देना इसका नहीं है, तो ये मत लिख करके आप लोग चले आइएगा। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है। सर्वाधिक जो हमारा दशकीय वृद्धि दर जनसंख्या की दृष्टि से जो हमारा सबसे ज्यादा जो दशकीय वृद्धि दर वाला जो जिला था वो गौतम बुद्ध नगर था। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जो जिला था वो हमारा कानपुर था। तो इस भी तथ्यों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है उत्तर प्रदेश से अगर आप संबंधित जीके पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। जनसंख्या घनत्व की बात कर लेते हैं दोस्तों, जनसंख्या घनत्व की, ठीक है। जनसंख्या की घनत्व की अब हम लोग बात करेंगे यहां पे। तो राज्य की कुल जनसंख्या का घनत्व 829 है, ठीक है। राज्य का कुल जनसंख्या घनत्व है 829। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, जनसंख्या घनत्व वाला जिला सर्वाधिक कौन सा है, गाजियाबाद है दोस्तों, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर। देखिए अगर आप कहीं सबसे अधिक पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे कम भी पढ़ते चलिए। कुछ लोग जो होते हैं वो फेमस किस लिए होते हैं, बहुत ज्यादा ही तेज होते हैं क्लास में, और कुछ लोग क्यों फेमस होते हैं, वो सबसे ज्यादा ही शरारती होते हैं। मध्यांतर वाले जो होते हैं वो सबसे कम फेमस होते हैं। तो आपको या तो सबसे ऊपर रहना है दोस्तों, या सबसे नीचे रहना, ठीक है। मजाक कर रहे थे दोस्तों, सबसे ऊपर रहने की कोशिश करनी है आपको। तो सबसे ज्यादा जो आपकी जनसंख्या घनत्व वाला जिला है गाजियाबाद रहने वाला, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला आपका रहने वाला है वो ललितपुर रहने वाला है। लिंगानुपात की दृष्टि से अब हम देखेंगे अपने पूरे इस उत्तर प्रदेश के जीके को। राज्य का कुल लिंगानुपात कितना होता है, 912, यानी पर जो नंबर ऑफ दोस्तों फीमेल्स होती हैं, अगर आप उनको डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ मेल से, तो जो रेशियो निकल करके आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं लिंगानुपात, ठीक है। तो लिंगानुपात की दृष्टि से हमारा जो राज्य है उसका कितना है, 912। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है, ठीक है, और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान में लेते हुए चलना है दोस्तों। लिंगानुपात के बाद अब हम बात करेंगे साक्षरता की, ठीक है। साक्षरता की दृष्टि से राज्य की कुल जो आबादी है, उस साक्षरता मतलब पढ़े लिखे हो, यहाँ ये नहीं है कि 10 की डिग्री 12 की डिग्री आपसे देखेगा। आपको बेसिक जो आपकी चीजें हैं हिंदी अंग्रेजी ये पढ़ने आना चाहिए, आपको गणित के सवाल करने आने चाहिए, इसी को सिर्फ साक्षरता के जो ये पहलू होते हैं जिसपे आपको नापा जाता है कि कितनी आपकी साक्षरता है दोस्तों। तो साक्षरता की दृष्टि से राज्य की कुल साक्षरता है 67.68%। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, और सबसे कम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती, ठीक है दोस्तों। कुल महिला साक्षरता कितनी है, 57.18%, जो कि अब बढ़ चुकी होगी। और दोस्तों शिक्षा हमारे लिए बहुत महत्व रखती है, इसीलिए ये चैनल आपको कंटेंट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में ये अवेलेबल करा रहा है, ताकि आप अपनी एग्जाम में अच्छे से तैयारी कर सके, आप अपनी एग्जाम में बखूबी अपना जो रोल है वो निभा सके। तो दोस्तों साक्षरता चाहे महिला की हो चाहे पुरुष की हो बढ़नी चाहिए दोस्तों, साक्षरता 1.1 भी घटती नहीं चाहिए।
कुल पुरुष साक्षरता 77.28% है, जो कि महिलाओं के मुकाबले काफी कम है, ज्यादा है सॉरी। तो महिलाओं को भी साक्षरता दर पे ध्यान देने की जरूरत है, और पुरुष समाज को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो कानपुर है। सबसे ज्यादा महिला साक्षरता वाला जिला जो है कानपुर है, और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है दोस्तों। ठीक है तो यही देख लेते हैं, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला भी श्रावस्ती होगा, और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला भी आपका श्रावस्ती होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के इतिहास को 5 भागों में बांटा जा सकता है दोस्तों। ये जो टॉपिक है इसको थोड़ा आपको ध्यान देते हुए चलना है। उत्तर प्रदेश के इतिहास को 5 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है इसको आप टोटल 5 भागों में बांट सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहला आता है प्रागैतिहासिक एवं पूर्व वैदिक काल, जो कि 600 ईसा वर्ष पूर्व तक चलता था। उसके बाद बौद्ध काल आ जाता है दोस्तों, जो कि 600 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक चलता है। और फिर आता है आपका मध्यकाल, मध्यकाल 1200 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक चलता है। उसके बाद आ जाता है ब्रिटिश काल, ब्रिटिश काल 1857 से 1957 तक चलता है, जबकि जो हमारा नेशन होता है वो ब्रिटिशर्स के अंडर में रहता है। उसके बाद स्वतंत्रोत्तर काल, जो कि 1947 से लेकर के अब तक चलता है दोस्तों। ये जो टॉपिक है ना इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा, और लोग इसको जल्दी पढ़ाते नहीं है क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा डिटेल्ड रहता है। तो हम लोग इसको एक समरी फॉर्म में आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहे हैं, इससे जुड़े तथ्यों को भी हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक और पूर्व वैदिक काल की, जो से 600 ईसा पूर्व तक चला। तो प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश आर्यावर्त का प्रमुख भाग था। उत्तर प्रदेश का इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना है। रामायण तथा महाभारत के अनेक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये जो ये फैक्ट्स है ये कब हो रहे हैं? प्रागैतिहासिक एवं पूर्व वैदिक काल जिसको कहते हैं उसमें हो रहे थे। ठीक है, दूसरा हम लोग टॉपिक देख लेते हैं बौद्ध काल। ठीक है, बौद्ध काल जो था वो 600 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक चलता था। अब इसमें क्या क्या देखने को मिला? भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी बनारस के निकट सारनाथ में दोस्तों, जहां पे बीएचयू आपका स्थित है ना बनारस में, वहीं पे जो बौद्ध काल था उसमें भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ में दिया था। तथा भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण यानी मृत्यु भी जो था वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में हुआ था, जो कि आपके उत्तर प्रदेश का ही भाग है। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद यानी कुरु, पंचाल, काशी, कौशल और सूरसेन और चेदीवत्स और मल्ल वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों उत्तर प्रदेश से जुड़ी अगर आपकी कोई नेशनल सिग्निफिकेंस की भी चीजें है ना, तो उसको भी आपको ध्यान में देते हुए चलना है, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए जो कि आपके एग्जाम में पूछ ले और आप उसके बारे में अज्ञानी बन करके चले जाएं। ठीक है, तो ये आपकी चीज रहने वाली है। टोटल ये जो आपके 8 महाजनपद है इनको एक बार आप फिर से देख लीजिए, कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी और वत्स और मल्ल, ये जो आपके रहने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं 8 महाजनपद जो कि उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये वाला टॉपिक हो गया, हम नेक्स्ट चलते हैं मध्यकाल। मध्यकाल का कब से कब तक था? 1200 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक आपका मध्यकाल चलता है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश में 12वीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम शासक स्थापित हो चुका है, और मुहम्मद गौरी ने गढ़वाल वंश के राजाओं को हराकर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम शासन की नींव रख चुकी है। अकबर ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी नगर की स्थापना की, तथा शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण भी मध्यकाल के अंतर्गत करवाया था। दोस्तों ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है जो कि आपको और कहीं नहीं देखने को मिलेगी। ब्रिटिश काल की बात कर लेते हैं। ब्रिटिश काल 1857 से 1947 तक चला, इसके बारे में आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप सब इससे हूबहू परिचित हैं। ब्रिटिश काल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन सन 1833 में इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया। फ्रेंड्स आप अगर तैयारी करते हैं तो आप इस चीज के बारे में पढ़े भी होंगे अपनी आधुनिक इतिहास में, अलग कर पश्चिमोत्तर प्रांत यानी आरंभ में आगरा प्रेसिडेंसी जिसको कहा जाता था उसमें गठित कर दिया गया उत्तर प्रदेश को। ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहले आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुई थी दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है जिसको आपको ध्यान देनी है। सन 1902 की बात है दोस्तों, पश्चिमोत्तर प्रांत का नाम बदलकर संयुक्त प्रांत कर दिया गया, जो कि उत्तर प्रदेश में ही था, और प्रारंभ में संयुक्त प्रांत की राजधानी इलाहाबाद रखी गई। दोस्तों जो संयुक्त प्रांत जो बनाया गया, जिसका गठन किया गया, उसकी जो पहली राजधानी क्या रखी गई, वो आपकी रखी गई इलाहाबाद, जिसे 1920 में बदल करके लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, मध्यकाल की बात हो चुकी है, ब्रिटिश काल की बात हो चुकी है, अब बात करेंगे
स्वातंत्रोत्तर काल की, फिर 1947 में जो ब्रिटिश से हमें आजादी मिल गई, तो उसके बाद क्या हुई चीजें उसको हम लोग देखेंगे स्वतंत्रोत्तर काल में, जो कि 1947 से अब तक चलता आ रहा है। 1947 में स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत भारतीय गणराज्य की प्रशासनिक इकाई बन गया, और 2 साल के अंतर्गत टिहरी, गढ़वाल व रामपुर को भी संयुक्त प्रांत में शामिल कर दिया गया। 12 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 12 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। और 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश 13 जिलों को अलग करके उत्तरांचल का गठन किया गया, जो कि जिसका 2007 में नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। फ्रेंड्स तीन लाइन में आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए कब से कब तक क्या क्या हुआ, 1947 में स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत का भारतीय गणराज्य की प्रशासनिक इकाई बन गया, ठीक है, यहां तक ये एक फैक्ट हो जाएगा। 2 साल के अंतर्गत टिहरी, गढ़वाल और रामपुर को भी संयुक्त प्रांत में शामिल कर दिया गया, और 12 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया, और 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश 13 जिलों को अलग करके उत्तरांचल गठन कर दिया गया, जिसको आज हम लोग उत्तराखंड के नाम से 2007 के बाद से जानने लगे हैं दोस्तों, ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रमुख नृत्य, प्रमुख जनजातियां, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में। तो अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, ठीक है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.9, ये जो शब्द है आप समझ लीजिए दोस्तों, 0.9% जनसंख्या अनुसूची जनजाति की है, और उत्तर प्रदेश की प्रमुख अनुसूचित जनजातियां कौन कौन सी हैं इसको हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा हाईलाइट करके देख लेंगे इसको हम। बुक्सा, थारू, राजी, जौनसारी, खटवार और महीगिरी, और उसके बाद कौन सा है दोस्तों, गार्ड और ओझा, घुरिया, नायक, पथारी, राजगार्ड, सहरिया, पहरिया, बैगा, पांखा, अगरिया, पटारी, चेरो, भुइया आदि, ये जो आपके हैं अनुसूचित जनजातियां दोस्तों, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमेशा की तरह जो हमारी थारू जनजाति है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा नाम जो इसका लेने में हम कभी इसको पढ़े नहीं हुए तो इसके बारे में थोड़ा बोलने में थोड़ा सा मान लीजिए कठिनाई हो सकता है, तो उसको आप देखते चलिएगा। थारू जनजाति की बात करें तो थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों, ठीक है। थारू जनजाति जो है वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तराई भाग में निवास करते हैं, गोरखपुर के तराई भाग, ठीक है दोस्तों। अगर आप नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं तो थारू जनजाति के जो लोग होते हैं वो कहां निवास करते हैं, गोरखपुर के तराई भाग में निवास करते हैं। थारू जनजाति के लोग किरात वंश के संबंधित है, किस वंश से संबंधित है, किरात वंश से संबंधित है। थारू द्वारा बजहर नामक त्योहार मनाया जाता है, कौन सा त्योहार मनाया जाता है, बजहर नामक त्योहार मनाया जाता है। दीपावली को ये शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं दोस्तों, दीपावली को ये लोग शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति द्वारा होली के मौके पर खिचड़ी नृत्य किया जाता है, ठीक है। और थारू जनजाति के लोगों में बदला विवाह प्रथा तथा तीन टिकटी विवाह तथा प्रचलित है, ठीक है दोस्तों। ये जो विवाह का जो तरीका है इसको यहाँ पे प्रचलन है इसका। थारुओं में दोनों पक्षों से विवाह तय हो जाने को पक्की पोड़ी कहा जाता है, दोनों पक्षों में अगर विवाह की जो तैयारियां हो जाती हैं या तय हो जाता है तो इसको पक्की पोड़ी कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश में 2 अक्टूबर 1980 को थारू विकास परियोजना का प्रारंभ किया गया, उत्तर प्रदेश में 2 अक्टूबर 1980 को। थारू जनजाति से रिलेटेड है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हो जाता है क्योंकि सबसे बड़ी जनजाति है। थारू विकास परियोजना का प्रारंभ किया गया दोस्तों। उसके बाद जौनसारी जनजाति की बात कर रहे थे, थारू जनजाति की बात यहां से खत्म हो जाती है और अब हम लोग बात करेंगे जौनसारी जनजाति की। तो जौनसारी समुदाय के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं देख लेते हैं। बिस्सू रहने वाला है दोस्तों, पंचाई, दियाई और नुड़ाई, उसके बाद अठोई आदि, ये जो है इनके ये जो जौनसारी समुदाय है इनके प्रमुख त्योहार है। ये दीपावली को 1 माह बाद मनाते हैं, ठीक है दोस्तों। जो आम लोग हिंदू धर्म में मनाते हैं उसे 1 महीने बाद लोग मनाते हैं। हारुल, रासो, घुमसू, झोला, झेला, जी, तांदी, मरोज, पौड़ाई आदि इनके प्रमुख नृत्य हैं दोस्तों। अगर आप किसी एक समुदाय की बात करते हैं तो उसको नृत्यों की जो जानकारी हो जाती है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग बुक्सा जनजाति की। तो बुक्सा या भोक्सा इसको भी बोलते हैं जनजाति को। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति बिजनौर जिले में पाई जाती है, बिजनौर जिले में ये दोस्तों जनजाति पाई जाती है, ठीक है। इसका भी कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं ताकि आपको इसके जो बीच का अध्ययन अंतर है वो समझ में आ सके। बुक्सा जनजाति की पंचायत के सर्वोच्च व्यक्ति को तखत कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। इनके जो पंचायत के सबसे ऊपर के लोग होते हैं उनको तखत कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति विकास परियोजना, बुक्सा जनजाति विकास परियोजना 1983 से
निवासी से प्रारंभ की गई। ठीक है दोस्तों, खरवार जनजाति इसके बाद आता है। ठीक है, खरवार जनजाति के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो खरवार जनजाति, ठीक है, प्रदेश में खरवार जनजाति के लोग मुख्यतः सोनभद्र जिले में निवास करते हैं। कहां निवास करते हैं ये लोग? सोनभद्र जिले में निवास करते हैं। और इसके बाद में सूरजवंशी, पंतबंधी, दौलतबंधी, खेरी, मोगती और आर्मिया, इन जनजाति की प्रमुख उपजातियां हैं। ठीक है, इसके भी जो सब जो हमारे डिवीजन होता है ना, आप देखेंगे कि ब्राह्मणों में क्या देखने को मिलता है, तिवारी, पाठक, मिश्रा, इस तरीके से इस जनजाति के भी जो सब जो डिवीजन होता है वो इनमें हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बदहाउस, बनसंती और ये दुल्हादेव, घमसान, गोरैया आदि इनके प्रमुख देवता है। ठीक है, और खरवार जनजाति का प्रमुख नृत्य जो है वो कर्मा है। ठीक है दोस्तों, ये कर्मा जो नृत्य है ये इस जनजाति का प्रमुख नृत्य है। और दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां, गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, गंगा नदी की बात कर लेते हैं और यमुना नदी की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो नदियां रहने वाली है दोस्तों ना, ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली है। तो अब हम लोग नदियों की बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो जो हमारी उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं वो गंगा और यमुना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी गंगा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी अगर दोस्तों आपसे कभी भी पूछता है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी है, तो वो गंगा नदी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की नदियों को उद्गम स्थल के आधार पर तीन भागों में बांटा जा सकता है। यानी जो उत्तर प्रदेश की जो नदियां होती हैं उनको उनके उद्गम स्थल के नाम के हिसाब से तीन भागों में बांटा जा सकता है दोस्तों। कौन कौन सी? सबसे पहले हिमालय से निकलने वाली नदियां। ठीक है, जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं दोस्तों ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो जो हिमालय से निकलने वाली नदियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? गंगा, यमुना, काली शारदा, रामगंगा, घाघरा, गंडक, ये जो नदियां होती हैं वो आपके हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां मानी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी होती हैं। देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं ना, तो हिमालय से निकलने वाली नदियों को बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपको प्ले करेगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है। उसके बाद मैदानी भाग से निकलने वाली नदियों की अगर हम बात करें, मैदानी भाग से निकलने वाली नदी आपकी होने वाली है गोमती, करुणा, पांडो, ईशान, रिहंद। दोस्तों अगर आप इस चीजों को देख रहे हैं ना, अगर आप इन चीजों के इन टॉपिक्स को अगर पढ़ रहे हैं, तो इन टॉपिक्स को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ में एक बार मैच करके देख लीजिएगा, तब आपको लगेगा कि जो कंटेंट हम आपको दिखा रहे हैं वो किस लेवल का है दोस्तों। तीसरा है दक्षिणी पठार से निकलने वाली जो नदियां हैं वो चंबल, बेतवा, केन, सोन, टास, कन्हार और रिहंद है दोस्तों। ये जो आपकी नदियां हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, गंगा नदी का उद्गम स्थल। फ्रेंड्स, अब हम स्पेसिफिक नदियों के बारे में बात करेंगे। तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल होता है वो गंगोत्री होता है, जो कि उत्तराखंड में है, जिसकी लंबाई दोस्तों 2655 किलोमीटर है और इसका अंत कहां होता है? बंगाल की खाड़ी में। और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी होती हैं? अलकनंदा, भागीरथी, रामगिगा, यमुना, कोसी, घाघरा, गंडक, गोमती, ये जो नदियां हैं ये गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। उसके बाद आता है यमुना नदी, जिसका उद्गम स्थल यानी जहां से वो शुरुआत करती हैं अपनी, उत्तराखंड में बंदरपुंछ पर्वत के यमुनोत्री हिमनद के लंबाई से ये निकलती है, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 1376। और आपको पता चल गया होगा कि लंबाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? गंगा है, जिसकी लंबाई है 2655 किलोमीटर, और यमुनोत्री की लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर। इसका अंत इलाहाबाद के गंगा नदी में मिलकर होता है, जिसको हम लोग संगम स्थल भी कहते हैं। ठीक है, और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? चंबल, बेतवा, गिरी, केन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एसएससी सीएचएसएल एसएससी जीडी में, एक नंबर का क्वेश्चन ये दोस्तों बनता है, एमटीएस के एग्जाम में भी ये पूछा गया था आपका। रामगंगा नदी उद्गम स्थल जो होता है, इसका उद्गम स्थल रामगंगा नदी कौन सी है? इस जो कि कहां से निकलती है? उत्तराखंड के दूधातोली पर्वत से निकलती है दोस्तों। इसकी लंबाई 590 किलोमीटर होती है और इसका जो अंत होता है वो कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, और इसकी सहायक नदियां जो होती हैं वो को होती है, सिर्फ एकमात्र नदी होती है। अगली नदी की हम बात कर लें, घाघरा नदी। ठीक है दोस्तों, घाघरा नदी का जो उद्गम स्थल होता है वो तिब्बत होता है, जिसकी लंबाई 1080 होता है किलोमीटर में, अंत इसका छपरा के निकट गंगा नदी में हो जाता है, और इसकी सहायक नदियां राप्ता, शारदा, छोटी गंडक होती हैं। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण नदी हमारी आ जाती है गोमती नदी, जिसका उद्गम स्थल होता है उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जनपद। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो पीलीभीत जनपद होता है दोस्तों, वो गोमती नदी का उद्गम स्थल होता है। इसका जो लंबाई होता है वो 940 किलोमीटर होता है और इसकी अंत जो हो जाती है इस नदी की जाकर के गाजीपुर के निकट गंगा नदी में हो जाती है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? जोमकाई, बरना, सई, गच्छा,
या इसकी सहायक नदियां। दोस्तों ये जो फैक्ट्स हैं आपको एक बार पढ़ के नहीं याद होगा, आप नदी का जो जहां से मैंने टॉपिक स्टार्ट किया आप फिर से बैक जाओ 10-10-10 सेकंड कर करके वहां से फिर से आप इसको देखो, फिर नहीं याद हो फिर देखो, इस तरीके से आपको नदियों के नाम और उनके जो सहायक नदियां हैं, उद्गम स्थल है, कितनी लंबाई है, अंत कहां से हो रहा है, ये सारे टॉपिक्स तभी आपको समझ में आएंगे। दोस्तों हम तो एक बार इसको पढ़ा करके चले जाएंगे। और इसका जो अंत होता है दोस्तों ये कहां पे होता है, गाजीपुर के निकट गंगा नदी में होता है। इसकी सहायक नदियां जोंकाई, बरना, सई और गच्छा होती हैं। इसके बाद काली नदी की बात कर लेते हैं, जिसको हम लोग शारदा मां शारदा के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। शारदा या काली नदी का जो उद्गम स्थल होता है वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में होता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में इसका उद्गम स्थल होता है। और इसकी जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में तिब्बत सीमा के निकट होता है। और इसकी लंबाई कितनी होती है, 480 किलोमीटर होती है। अंत उत्तर प्रदेश में बहराम घाट के निकट घाघरा नदी में होता है इसका। ठीक है दोस्तों, सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी हैं, किसकी सहायक नदियां, शारदा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो सहायक नदियां इसकी हैं सरयू, पूर्वी रामगंगा, दहावर, सुहेली, घाघर, घरिया, लिसार, ये इसकी जो है सहायक नदियां हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गंडक नदी की। तो गंडक नदी का जो उद्गम स्थल होता है वो तिब्बत नेपाल की सीमा पर धौलागिरी पर्वत से पे होता है। और इसकी लंबाई कितनी होती है दोस्तों, 630 किलोमीटर होती है। फ्रेंड्स नदियों से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पेपर में बनना सुनिश्चित है। आप इस टॉपिक को अगर नहीं करके जाते हैं तो कम से कम 6 से 7 नंबर का आप अपना नुकसान कर रहे हैं। दोस्तों भारत में 300 यहाँ पे जो किलोमीटर होती है इसकी लंबाई होती है, और इसकी जो कुल लंबाई है वो 630 किलोमीटर होती है, पर भारत में या उत्तर प्रदेश में 300 किलोमीटर। इसका इस नदी का अंत पटना के निकट गंगा नदी में हो जाता है, जिसकी सहायक नदियां हैं त्रिशूली और गंगा। इसके बाद जो महत्वपूर्ण नदी आ जाती है दोस्तों, राप्ती नदी की हम बात कर लेते हैं। राप्ती नदी का जो उद्गम स्थल होता है, उद्गम स्थल माने दोस्तों जहां से ये शुरू होती है, तो ये नेपाल से होता है, जिसकी लंबाई 640 किलोमीटर होती है, जिसका अंत जो होता है वो बारहस के निकट घाघरा नदी में हो जाता है। फिर उसके बाद जो आपकी दोस्तों नदी आ जाती है चंबल नदी। दोस्तों एक चंबल नदी से जुड़ा आपको तथ्य बता दूं, बड़े ही बहुत ही पठार देखने को मिलते हैं यहाँ पे, छोटे छोटे पत्थरों के बड़े हुए या बड़े बड़े पठार यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं, पहाड़ टाइप के, जिसका उद्गम स्थल जो होता है मध्य प्रदेश में होता है, जिसकी लंबाई 966 किलोमीटर होती है। और इसका अंत या जो उद्गम के बाद जो जहां पे खत्म होती है नदी, वो इटावा के पास यमुना नदी में हो जाता है। और इस नदी का यानी चंबल नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी होती हैं, पार्वती, नवाज, बनास, छिप्रा, जो इसकी सहायक नदियां होती हैं। दूधी नदी की बात कर लेते हैं, बेतवा नदी की बात कर लेते हैं, जिसका उद्गम स्थल जो होता है वो मध्य प्रदेश में होता है। और इसकी कुल लंबाई जो होती है 480 किलोमीटर होती है। और इसका अंत जो होता है वो हमीरपुर के पास यमुना नदी में हो जाता है। और इस नदी का जो सहायक नदियां होती हैं वो होती हैं धनास, बीना। उसके बाद और सबसे महत्वपूर्ण नदी आती है गंगा नदी के बाद में सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल होता है मध्य प्रदेश, और इसकी लंबाई जो होती है वो 784 किलोमीटर होती है। और सोन नदी का जो अंत होता है वो होता है पटना के निकट गंगा नदी में। और सहायक नदियां इसकी होती हैं महानदी, रिहंद और घघरा। आपके नदियों से जो टॉपिक रहने वाला है दोस्तों थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, थ्योरेटिकल है, फैक्चुअल है, जिसको आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा। इसको बार बार देखने से, रिपीट करने से आपको ये सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य। अभी हम जनजातियों के नृत्य को पढ़े, अभी हमने देखा जो हमारी इंपॉर्टेंट नदियां होती हैं। आपने एक जो ट्रेंड देखा होगा हमारी पूरी वीडियोस में, हम वही तथ्य ले आ रहे हैं, वही टॉपिक्स लेकर के आ रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप एक भी इसका क्लिप अगर छोड़ते हैं तो आप अपनी एग्जाम के 2 या 4 नंबर से तुरंत हाथ धो बैठ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नृत्यों की बात कर लेते हैं, प्रमुख राज्य नृत्य कौन कौन से होते हैं। ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं। लोक गीतों के साथ साथ लोक नृत्य का इतिहास भी प्राचीन है। राज्य के विभिन्न भागों में इन नृत्यों के विभाजन या इनके विभिन्न प्रकार भिन्न भिन्न अवसरों पर देखने को मिलते हैं। किसी भी राज्य के दोस्तों जो कल्चर होता है वहां के नृत्य से, वहां की भाषा से और वहां के रहन सहन से बनता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें नृत्य और जो उससे जुड़े तथ्य है, लोकगीत है, उनको हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला इसमें आ जाता है धुबिया नृत्य। ठीक है, धुबिया नृत्य यह समुदाय द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है, जिसमें नृत्य के माध्यम से धोबी व गधे के संबंधों के तुलनात्मक अध्ययन की जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों कई लोगों के लिए यह हर्ष का विषय होगा कि हम मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ही उत्तर प्रदेश कंप्लीट स्टैटिक जीके को आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, पर इसमें बहुत मेहनत लगी है दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बीएचयू पाठशाला पे इस पर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं ख्याल नृत्य की। तो इसका जो मेन उद्गम होता है पुत्र रत्न के जन्मोत्सव पर
ख्याल नृत्य किया जाता है, यानी अगर किसी समुदाय में या किसी समुदाय में अगर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो ख्याल नृत्य किया जाता है। इसके अंतर्गत रंगीन कागजों तथा बांसों की सहायता से मंदिर बनाया जाता है दोस्तों, फिर से उसे सिर पर रख करके नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के नृत्य अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपने जरूर देखा होगा। कलाबाजी नृत्य, कलाबाजी देख सुन के ही लगता है किस तरीके का नृत्य होगा, कलाबाजियां करके दिखाते होंगे। इस नृत्य को अवध क्षेत्र के लोग करते हैं, इसमें नर्तक जो होता है वो मोरबाज लेकर के कच्ची घोड़ी पर बैठ करके नृत्य करता है, कच्ची घोड़ी पे बैठ करके नृत्य करता है। कार्तिक नृत्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों नृत्य होता है, एक बार इसका एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मैंने इसको ध्यान से देखा हुआ है। कार्तिक नृत्य या बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्तिक माह में मृतकों द्वारा श्री कृष्ण तथा मृतकों द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर किए जाने वाला नृत्य है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मृतक तो नृत्य कर ही नहीं सकते ना। दीपावली नृत्य बुंदेलखंड के अहिरों द्वारा अनेकानेक दीपकों को प्रज्वलित करके किसी पेड़ कलश चाबी तथा परात में रखकर तथा उन प्रज्वलित दीपों को सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। आप लोग अगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते होंगे तो आपको इन नृत्यों के बारे में जानकारी होगी। फिर बात कर लेते हैं राई नृत्य की। यह नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा किया जाता है सबसे पहले तो, यानी इसमें पुरुषों की भागीदारी जो होती है वो कम होती है, तो ये महिलाओं द्वारा जो किया जाने वाला नृत्य है और इसमें किया क्या जाता है दोस्तों, यहाँ की महिलाएं इस नृत्य को विशेषतः श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर करती है और इसको मयूर की भांति किया जाता है, यानी मोर जिस तरीके से नृत्य करता है दोस्तों उसी तरीके से वहां की जो महिलाएं होती है इस नृत्य को प्रस्तुत करती है, इसीलिए इसको मयूर नृत्य भी कहा जाता है। मयूर की तरह नाचने वाला जो नृत्य होता है उसको मयूर नृत्य कह देते हैं। फिर आता है पाई डंडा नृत्य। इसे बुंदेलखंड इलाके के अहिरों द्वारा छोटे छोटे डंडे लेकर के गुजरात के डांडिया नृत्य के समान यह नृत्य किया जाता है, यानी जो आपने फ्रेंड्स अगर देखा होगा तो जो गुजरात में डांडिया नृत्य होता है इसमें एक से दूसरे डांडिया को इस तरीके से लगाया जाता है, उसी तरीके से पाई डंडा नृत्य जो होता है वो भी इस तरीके से काम करता है दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं देवी नृत्य की। तो देवी नृत्य क्या होता है, यह नृत्य अधिकांश बुंदेलखंड क्षेत्र में ही प्रचलित होता है, यानी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जो जगह है वहां पे नृत्य बहुत ज्यादा देवी नृत्य प्रचलित होता है। इस लोक नृत्य में एक नर्तक देवी का स्वरूप धरकर अन्य नर्तकों के सामने खड़ा रहता है तथा उसके सम्मुख सभी नृत्य करते हैं, यानी एक जो वहां का जो नर्तक होता है वो एक स्टैचू बनकर के खड़ा रहता है, उसके आसपास जो लोग होते हैं वो नृत्य करके दोस्तों दिखाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं नटवरी नृत्य। यह नृत्य प्रत्येक प्रदेश में सॉरी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल क्षेत्र के अहिरों द्वारा किया जाता है, अहिर एक कम्युनिटी होती है जिसके द्वारा यह नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य गीत व नक्करे के सुरों पर किया जाता है, ठीक है, और ये बस इतना ही आपको जानना इसमें जरूरी है। फिर देख लेते हैं छपेली नृत्य के बारे में। एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे में दर्पण लेकर किए जाने वाले इस नृत्य में आध्यात्मिक समुन्नति की कामना की जाती है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य हो जाता है। छोलिया नृत्य जो होता है वो राजपूतों द्वारा किया जाता है और ये कब किया जाता है, छोलिया नृत्य जो होता है राजपूतों द्वारा नृत्य विवाह उत्सव पर किया जाता है, विवाह के उत्सव पर जो होता है आपका छोलिया नृत्य किया जाता है। इस नृत्य को करते समय एक हाथ में तलवार तथा दूसरे में ढाल होता है, एक तरह से युद्ध को दर्शाया जाता है उस नृत्य में। फिर दोस्तों इसके बाद आता है चरकुला नृत्य। दोस्तों एक से एक ही में करके लिखने का इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि कंटेंट बहुत ज्यादा था और ये वीडियो बहुत लंबी चली जाती है, इसलिए फ्रेंड्स इसको हम लोगों ने कंपाइल करके लिखा हुआ है ताकि आपको छोटे से पेज पे अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सके बाद में रिवाइज करने में आपको आसानी है दोस्तों, तो ये आपकी सुविधा के लिए ही किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं मुझे परेशानी भी हो रही है। इस नृत्य को करते समय एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में ढाल होती है, यानी युद्ध को दर्शाया जाता है। फिर जो मुख्य जो नृत्य होता है वो होता है चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य का क्या सिग्निफिकेंस होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ब्रजवासियों द्वारा किए जाने वाले इस घड़ा नृत्य में बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर अनेक घड़े रखे जाते हैं दोस्तों, ठीक है, यानी ये कृष्ण जी के जो जन्म स्थान ब्रजवासियों वाले जो जिनको कहे जाते हैं, ये घड़ा नृत्य के तौर पे होता है जिसमें बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर अनेक घड़े रखे जाते हैं, फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है, उसको उस घड़े को सिर पर रख करके नृत्य किया जाता है। धुरिया नृत्य अब बात कर लेते हैं दोस्तों। तो धुरिया नृत्य बुंदेलखंड के प्रजापति लोग होते हैं, जो कुम्हार भाई लोग होते हैं, वो इस नृत्य को स्त्री वेश धारण करके करते हैं, यानी जो धुरिया नृत्य होता है बुंदेलखंड के जो कुम्हार भाई होते हैं वो स्त्री का रूप धारण करके इस नृत्य को प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद आता है पासी नृत्य। पासी नृत्य जो होता है पासी जाति के लोग द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में सात अलग अलग मुद्राओं की एक गति तथा एक ही लय में युद्ध की भांति नृत्य किया जाता है, ये युद्ध को दर्शाते हुए जो ये नृत्य किया जाता है इसको हम लोग पासी नृत्य की तरह देखते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग बात कर लेते हैं शेरा नृत्य। शेरा नृत्य यह एक ऐसा नृत्य होता है जो कि बुंदेलखंड वासी
कृषक जो कि जो जो भूमि पर अपने अनाज उगाने का काम करते हैं वो अपनी फसलों को काटते समय हर्षोल्लास प्रकट करने के उद्देश्य से करते हैं। दोस्तों अगर आप किसान है, आपके माता पिता अगर किसान है, अगर उनकी खेती जो होती है सफल हो जाती है, अच्छा अनाज मिल के आता है, तो बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल होता है। कुछ लोगों को अपने बच्चों की फीस जमा करनी होती है, कुछ लोगों को नए कपड़े खरीदने होते हैं, मिठाइयां खरीदनी होती है, एक बड़ा ही हर्षोल्लास का विषय होता है हमारे भारत के समाज में, उत्तर प्रदेश के खास करके समाज में। तो दोस्तों इसी हर्षोल्लास को दर्शाते हुए जो हमारा शेरा नृत्य होता है उसको दिखाया जाता है। उसके बाद आ जाता है धीवर नृत्य। यह नृत्य अनेक शुभ अवसरों पर विशेष रूप से कहार जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। फिर देखिए दोस्तों इनके बारे में, नृत्यों के बारे में जितनी जानकारी आपको होनी चाहिए ना, बस मैं उतनी ही जानकारी आपको दे रहा हूं, उसमें ज्यादा डिटेलिंग नहीं जाना है। सेम टू सेम जैसे आप बड़े एग्जाम्स की तैयारी करते हैं ना, जिसमें उतना ही पढ़ते हैं जितना आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है, सेम टू सेम वी आर डूइंग हियर ऑल्सो। ठीक है, चलिए। जोगिनी नृत्य क्या होता है? इस नृत्य को विशेषकर रामनवमी के त्योहार पर हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। इसके अंतर्गत कुछ पुरुष महिलाओं का रूप धारण करके साधुओं के रूप में नृत्य करते हैं। तो फ्रेंड्स ये इस नृत्य का सिग्निफिकेंस होता है। धोबिया नृत्य जो होता है फ्रेंड्स, इसके बारे में हमने ऊपर भी पढ़ा था, धोबिया नृत्य जो होता है वो मांगलिक शुभ अवसरों पर किया जाता है। इसमें एक नर्तक जो होता है वो अन्य नर्तकों के घेरे के अंदर कच्ची घोड़ी पर बैठ करके नृत्य करता है दोस्तों। ठीक है, तो कच्ची घोड़ी पर बैठ करके नृत्य करता है वो। राज्य में नृत्य परंपरा से संबंधित तथ्यों को, दोस्तों नृत्य से तो संबंधित हमने जो विभिन्न कम्युनिटीज होती है उनके बारे में हमने जान लिया, अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो कि उत्तर प्रदेश की, अगर आप स्टैटिक जीके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या अन्य सरकारी जॉब की तैयारी के लिए कर रहे हैं तो ये जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है। राज्य में नृत्य परंपरा से इंपॉर्टेंट कुछ तथ्यों को लेते हैं। लोक नृत्य नटवरी जो होता है, इसमें नर्तक जो होते हैं वो कुश्ती लड़ते हैं, नाचते नाचते कुश्ती लड़ते हैं, कबड्डी खेलते हैं तथा चिड़ियों जैसा व्यवहार करते हैं। और कर्मा लोक नृत्य जो होता है, इसके अंतर्गत नर्तक जो होते हैं वो फुदकते हैं एक दूसरे पर, वृक्षों से पत्तियों तथा डालियों को काटकर पुजारी को ला करके देते हैं तथा नृत्य करते हुए इन वृक्षों की पत्तियों तथा शाखाओं के साथ नर्तकों द्वारा चढ़ाई जाती है। दोस्तों जो ये फुदक कर जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जो काट करके पेड़ों को लाते हैं, पत्तियों को लाते हैं, उसको यहाँ पे चढ़ाया जाता है। डोम जाति के प्रति आदर प्रदर्शित करते हुए धसिया तथा गोल्ड जनजातियों के नर्तक डोम कच नृत्य करते हैं। दोस्तों ये भी बहुत ही हमारे उत्तर प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है नृतकों के बारे में, तो इसको आपको जानते रहना चाहिए। अगला टॉपिक देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों के बारे में। तो देखिए दोस्तों अगर किसी भी चीज के बारे में, अगर आप पढ़ रहे हैं किसी भी राष्ट्र के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी भी जनसंख्या की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, वहां का उद्योग ही वहां का जो मूलभूत जो प्राण होता है ना वही होता है। ठीक है, अगर आपके राज्य में उद्योग नहीं है तो वहां पे लोग नहीं टिकेंगे वो, क्योंकि आज के टाइम पे जो हमारी बेसिक नीड है फूड शेल्टर और ब्रेड की, फूड शेल्टर और क्लॉथ्स की, वो कैसे कंप्लीट होती है जब हमारे राज्यों में प्रमुख उद्योगों के बारे में हम जानेंगे कि क्या वहां पे बेसिकली प्रोडक्शन होता है दोस्तों। ठीक है, तो प्रमुख जो उद्योग है उनकी स्थिति यहाँ पे हमें दी गई है। पहला डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। फ्रेंड्स अगर आप बनारस से हैं तो आप जानते होंगे यहाँ पे डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो कि वाराणसी में स्थित है, इसका नाम बदल करके बनारस लोकोमोटिव वर्क्स भी कर दिया गया है, यानी BLW इसको कहा जाने लगा है, जो कि वाराणसी में स्थित है। तेल शोधक कारखाना ये कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? मथुरा में। दोस्तों यहाँ पे उन कारखानों का नाम है और उनसे संबंधित स्थल वहां पे दिया गया है। तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स हमें बनारस में देखने को मिलता है, तेल शोधक कारखाना मथुरा में देखने को मिलता है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन जो है दोस्तों एल्यूमिनियम से जुड़े जो बर्तन होते हैं उनको बनाया जाता है यहाँ पे, उसको हमें सोनभद्र में देखने को मिलता है। परमाणु शक्ति केंद्र से संबंधित जो हमें दोस्तों देखने को मिलता है उद्योग, वो नरौरा यानी बुलंदशहर में देखने को मिलता है। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड ये कानपुर में देखने को मिलता है। सिंगरौली कोयला का जो खान है दोस्तों ये भी वाराणसी में स्थित है। मॉडर्न बेकसीर बेकरीज, ये मॉडर्न बेकरीज जो होती है दोस्तों जहां पे आपके ये ब्रेड वगैरह जैसे चीजों का उत्पादन किया जाता है, ये हमें कानपुर में देखने को मिलता है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज जो हमें रायबरेली में देखने को मिलती है, उसके बाद रायबरेली और नैनी में देखने को मिलती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये तो बहुत ही प्रमुख जो हमारा एक प्रोडक्शन का काम करती है, हवाई सेवाओं में दिए जाने वाले विमानों के पार्ट्स यहाँ बनाए जाते हैं, लखनऊ में देखने को मिलता है, कानपुर में देखने को मिलता है, इसके अन्य केंद्र भी हैं। डीप फ्रीज तथा मीट प्लांट जो होता है वो आपके फिरोजाबाद में देखने को मिलता है। ट्रांसफार्मर्स की जो फैक्ट्री होती है दोस्तों ये झांसी में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी।
अपट्रान कैपेसिटर लिमिटेड, ये आपका लखनऊ में आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स ये जो भी आपके टॉपिक्स है ना, ये अलग अलग उद्योगों से संबंधित है, अलग अलग चीजों से संबंधित है कि कहां पे कौन से राज्य में किस जगह पे किस चीज का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भारतीय चमड़ा रंगाई और जूता का जो संस्थान है वो कानपुर उत्तर प्रदेश में दिखा जाता है। ये तो हमारा जो बात हो जाता है दोस्तों कि मतलब हमें जो प्रमुख उद्यान होते हैं वो क्या होते हैं, सॉरी जो हमारा प्रमुख उद्योग होता है वो किस तरीके का होता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज क्या होते हैं, खनिज जो होते हैं वहां के जो जमीनों के अंदर या जो वहां के जो रिसोर्सेज होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। तो संपदा में धनी राज्य है, यहाँ विंध्य क्षेत्र की पर्वत श्रृंखला, बुलेंद बुदेलखंडी क्षेत्रों, हिमालय और सिरडू के निचले क्षेत्रों तथा नदी घाटियों में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 1955 में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई तथा 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम। फ्रेंड्स ये आपसे पूछ सकता है कि 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की जो स्थापना है वो की गई थी, तथा उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति दिसंबर 1998 में घोषित की गई थी, जिसको आपको ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले कुछ खनिज व उनके प्राप्ति के स्थल की जो हम बात कर लेते हैं दोस्तों, फ्रेंड्स ये तो थोड़ा हमने को इंपॉर्टेंट पढ़ लिया ऊपर की ये यहाँ पे होता है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में पाए वाले कुछ खनिज व उनके प्राप्ति स्थल से जो हमें जानकारी है। तो सबसे पहले चूना पत्थर कहां पाया जाता है, चूना पत्थर बहुत जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी खनिजों में, तो चूना पत्थर हमें देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में। ठीक है दोस्तों, मिर्जापुर जिले में गुरुमा, कनाच, बाबूहारी तथा सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में पाया जाता है। कोयला दोस्तों सिंगरौली में पाया जाता है सोनभद्र के, बॉक्साइट जो है वो राजौन में पाया जाता है चित्रकूट के, चंदौली में भी पाया जाता है। उसके बाद डोलोमाइट जो होता है दोस्तों ये बारी यानी सोनभद्र में पाया जाता है। बालू का कांच बालू जो होता है वो लालापुर में पाया जाता है इलाहाबाद के, फिर जो बरगढ़ और चित्रकूट में है वहां पे भी ये पाया जाता है। पोटाश लवण जो होते हैं वो इलाहाबाद, चंदौली, झांसी में पाया जाता है, और सेल खड़ी जो होता है दोस्तों हमीरपुर और झांसी में पाया जाता है। ठीक है, पाइराइट्स जो होते हैं वो सोनभद्र में पाए जाते हैं। दोस्तों ये खनिज है जो कि विभिन्न स्थानों पे उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, राख फास्फोरस जो होता है वो ललितपुर में पाया जाता है, हीरा बांदा में, मिर्जापुर में पाया जाता है, और सोना सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, शारदा व रामगंगा नदी की रेत में पाया जाता है दोस्तों। तो तांबा जो होता है दोस्तों, तांबा जो होता है वो दोस्तों ललितपुर में पाया जाता है। यूरेनियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा रिसोर्स हो जाता है, अगर आप एटॉमिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे तो यूरेनियम हमारा ललितपुर में पाया जाता है। संगमरमर यानी जो मार्बल होता है वो कहाँ पाया जाता है, मिर्जापुर और सोनभद्र में। जिप्सम जो होता है आपका दोस्तों झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है, और सैंडस्टोन जो होता है वो आपके मिर्जापुर में पाया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख झीलें। दोस्तों इतना जल्दी ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, आप देख सकते हैं हम लोगों ने नृत्य कर लिया, नदियां कर ली, और जहां पे जैसे हम लोगों ने प्लान किया हुआ था आप देखें अगर बैक जा करके, तो हम लोगों ने परिचय भी पढ़ा, नृत्य भी पढ़ा, उद्योग भी पढ़ा, खनिज भी पढ़ा। अभी हम लोग दोस्तों पच्ची विहार के बारे में पढ़ेंगे, दर्शनीय स्थल के बारे में पढ़ेंगे, बांध के बारे में पढ़ेंगे, शोध संस्थान, संग्रहालय, हवाई अड्डे, जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय राजमार्ग, स्पर्श करने वाला राज्य, इतिहास जो था इसका हम लोगों ने वो भी पढ़ा, जनजातियों के बारे में पढ़ा, प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ा। प्लस छोटे से इस वीडियो में हम लोगों ने कितना कुछ कवर कर लिया जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख झीलें, दोस्तों उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख झीलें और उनकी स्थिति जो है वो यहाँ पे दी हुई है। तो सबसे पहले आपका झील का नाम दिया रहेगा और वो कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहला जो होता है हमारा हो जाता है सुराहा ताल। सुराहा ताल जो है वो बलिया में पाया जाता है। ठीक है, करेला झील ये कहाँ पाई जाती है, लखनऊ में। भूंग ताल कहाँ पे है, रायबरेली में। राधा कुंड कहाँ पे है, मथुरा में है। बल्हापारा कहाँ पे है, कानपुर में। राजा का बौद्ध नाम की जो झील है वो सुल्तानपुर में पाई जाती है। औंधी ताल कहाँ पाया जाता है, बनारस में पाया जाता है। और मोती झील कहाँ पे है, कानपुर में स्थित। रामगढ़ ताल कहाँ पे है, गोरखपुर में। ठीक है, उसके बाद सेखा ताल जो है अलीगढ़ में, दर्वन झील फैजाबाद में, चित्तौड़ा झील बहराइच में, और बेला सागर जो है वो महोबा में पाया जाता है। दोस्तों हम बिना किसी समय को व्यर्थ किए हम डायरेक्टली टॉपिक पे पढ़ रहे हैं, डायरेक्टली फैक्चुअल चीजों को पढ़ रहे हैं, ना किसी चीज का प्रमोशन कर रहे हैं, ना कोई एड एडवर्टाइजमेंट, सीधे आपको कंटेंट दिया जा रहा है जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारियों को और भी ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत बीएचयू पाठशाला की टीम और इसके टीचर्स आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है, टांडा दरी जो है दोस्तों ये एक झील है जो कि मिर्जापुर में पाया जाता है। मादन सागर, ठीक है दोस्तों,
दोस्तों मादत सागर जो है महोबा में है, कुंद्रा समुद्र उन्नाव में, कीठम झील जो है दोस्तों आगरा में, और गौर झील जो है वो आपके रामपुर में पाया जाता है। दोस्तों अगर किसी भी झीलों का या किसी भी तरीके का नाम अगर थोड़ा गड़बड़ हो तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि हमने भी किसी रिसोर्स से ही उठाया हुआ है। बड़ा ताल जो होता है वो शाहजहांपुर में होता है, और बरुआ सागर जो होता है वो झांसी में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार की अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। पक्षी विहार यानी कि जिस तरीके से राष्ट्रीय वन्य अभयारण्य होते हैं, नेशनल वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, उस तरीके से नेशनल बर्ड सेंचुरीज होती हैं, जिनको हम लोग पक्षी विहार कहते हैं। तो नवाबगंज पक्षी विहार जनपद, नवाबगंज जो पक्षी विहार है वो किस जनपद में है? उन्नाव में है, और इसकी स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी, और इसका क्षेत्रफल देखिए तो आप 2.25 किलोमीटर है। दोस्तों एक लाइन में एक पक्षी अभयारण्य का कंप्लीट डिटेल, कितना अच्छी बात है ना। आपने एक लाइन पढ़ा कि नवाबगंज पक्षी विहार है वो किस जनपद में है, उन्नाव में है, स्थापना वर्ष 1984, और इसका क्षेत्रफल जो है वो 2.25 किलोमीटर है। और समसपुर पक्षी विहार जो है वो आपके किस जनपद में आता है, रायबरेली में आता है, स्थापना वर्ष 1947 में, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 8 किलोमीटर है। फिर लाख बहोशी पक्षी विहार किस जनपद में है, कन्नौज जनपद में है, स्थापना वर्ष 1988, क्षेत्रफल 80.23 किलोमीटर। पटना पक्षी विहार दोस्तों ये जो जनपद है वो एटा में है, और इसका स्थापना वर्ष जो है वो 1990 में हुआ था, क्षेत्रफल 1.11 किलोमीटर। दोस्तों इसका नाम बिहार पक्षी विहार, पटना पक्षी विहार जनपद इसलिए है क्योंकि इसका जो अन्य भाग है वो बिहार में ज्यादातर है, ठीक है। तो इसका नाम पटना पक्षी विहार जनपद है जो कि एटा में है, और इसका स्थापना वर्ष 1990 में है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका जो देखे तो 1.11 है। विजय सागर पक्षी विहार ये किस जनपद में पाया जाता है, महोबा में, इसका स्थापना वर्ष 1990, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 2.6 किलोमीटर। पार्वती आरंग पक्षी विहार ये किस जनपद में है, गोंडा जनपद में है, स्थापना वर्ष 1990, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 10.85 किलोमीटर। समान पक्षी विहार किस जनपद में है, मैनपुरी जनपद में है, स्थापना वर्ष 1990, क्षेत्रफल की दृष्टि से 5.2 किलोमीटर। ओखला पक्षी विहार को देखें तो किस जनपद में है, गौतम बुद्ध नगर में ये देखने को मिलता है, और इसका स्थापना वर्ष 1990 है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें दोस्तों तो 4 किलोमीटर का जो ये दायरा कवर करता है, ठीक है। बखीरा पक्षी विहार, बखीरा पक्षी विहार जो किस जनपद में है, संत कबीर नगर में है, इसका स्थापना वर्ष कब हुआ था, 1990 में, क्षेत्रफल की दृष्टि से 29 किलोमीटर। सांडी पक्षी विहार किस जनपद में है, हरदोई में, स्थापना वर्ष 1990, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 किलोमीटर। सूर सरोवर पक्षी विहार, फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर सरोवर पक्षी विहार इसको आप जरूर ध्यान दीजिए। सूर सरोवर पक्षी विहार जो किस जनपद में है, आगरा जनपद में है, इसका स्थापना वर्ष 1991, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 4.1 किलोमीटर है। सूरहा ताल पक्षी विहार किस जनपद में है, बलिया जनपद में है, इसका स्थान स्थापना वर्ष जो था वो 1991 में है, साथ ही साथ इसका जो क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है तो ये आपको फ्रेंड्स यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, इसको हम लोग आगे देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी अभयारण्य ये किस जनपद में है, प्रतापगढ़ जनपद में है, स्थापना वर्ष 2003, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 4.2 किलोमीटर। तो ये जो था दोस्तों ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पक्षी विहार से संबंधित जानकारी थी जिसको आपने अभी यहाँ पे देखा दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग आगे अपना टॉपिक देखते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटक व ऐतिहासिक स्थल, ठीक है दोस्तों, प्रमुख पर्यटक व ऐतिहासिक स्थल जहां पे आप लोग जा करके घूम सकते हैं या जहां पे पर्यटन बहुत ज्यादा देखने को हमें उत्तर प्रदेश में मिलता है। फ्रेंड्स अगर किसी टॉपिक से रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं ना तो उससे संबंधित सारी जानकारी को उठा करके हम अपनी वीडियो में डाल देते हैं ताकि आपको किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े, आपको काम होना चाहिए दोस्तों, हमें कहीं से कुछ भी मेहनत करके लानी हो हम ले आते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन व ऐतिहासिक स्थलों को अगर देख लें, ताजमहल आगरा में है, वृंदावन मंदिर मथुरा में है, खानकाह रशीदिया मैनपुरी में है, भगवान वराह का मंदिर जो है वो कासगंज में है, शाकंभरी देवी जी का जो मंदिर है वो सहारनपुर में है, दान तीर्थ जो है वो मेरठ में है, झारखंडेश्वर शिवलिंग कितना अच्छा नाम है दोस्तों, झारखंडेश्वर शिवलिंग जो है वो हापुड़ में है, व्यास तील एवं नरसिंह टीला ये जालौन विंध्यवासिनी मंदिर जालौन में है, और विंध्यवासिनी मंदिर जो है वो मिर्जापुर में है, लोदेश्वर मंदिर बाराबांकी में है, भृगु मंदिर जो है बलिया में है, और गोला गोरखनाथ मंदिर लखीमपुर खीरी में है, रूमी दरवाजा लखनऊ में है, आनंद भवन इलाहाबाद में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों ये वो जगह है जहां पे पर्यटन स्थल हमें ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलते हैं। कड़कशाह बाबा का मजार जो है वो कौशाम्बी में है, बावनी इमली शहीद स्थल जो है वो फतेहपुर में है, और फांसी इमली शहीद स्थल जो है आपका दोस्तों वो इलाहाबाद में है, कनक भवन अयोध्या में, शुल्क तालाब कानपुर में, गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में है, संत कबीर
निर्वाण स्थल जो आपका मगहर में, यानी कबीर दास जी का जो निर्वाण स्थल था वो मगहर में था। माथा कुंवर बुद्ध प्रतिमा कुशीनगर में देखने को मिल जाएगी। दशावतार मंदिर देवगढ़ में, हरिदेव मंदिर जो आपका है वो मथुरा में आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, बिना रुके हम लोग इस टॉपिक को करके देखते हैं। भारद्वाज आश्रम इलाहाबाद में, लॉर्ड कार्निवालिस का मकबरा गाजीपुर में, धानपुर शहीद स्मारक कहाँ बना हुआ है चंदौली में, एजाज अली हाल जो है दोस्तों बिजनौर में, वेल्हा देवी जी का जो मंदिर है प्रतापगढ़ में देखने को मिलता है, 84 गुंबद कापली में, सीताकुंड दोस्तों सीताकुंड घाट सुल्तानपुर में, रेणुकेश्वर महादेव जी का मंदिर सोनभद्र में, अर्गा पार्वती मंदिर गांडा में, उसके बाद देवी पाटन मंदिर जो है दोस्तों वो हमारा बलरामपुर में है, और उसके बाद कांजीजर जो दुर्ग है वो बांदा में है, मकबरवई मंदिर जो है महोबा में, रानी महल दोस्तों झांसी में, चाइना मंदिर श्रावस्ती में, अशफाक उल्ला की मजार जो है वो सहारनपुर में है, जायसी स्मारक रायबरेली में। दोस्तों ये वो जगहें हैं जहां पे हम लोग जा करके पर्यटन स्थल को देख सकते हैं। मुराल घाट जो दोस्तों फर्रुखाबाद में है, बस श्री सनातन धर्म जी का मंदिर जो गौतम बुद्ध नगर में देखने को मिल जाता है, और उसके बाद में देवकली मंदिर और रया में, दाऊजी मंदिर मथुरा में, तुलसी स्मारक दोस्तों आपका बांदा में देखने को मिलता है, लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में, हाजी वारिस अली का जो मजार है वो बाराबंकी में, कपिल मुनि आश्रम आपको कहां देखने को मिलेगा फर्रुखाबाद में, महर्षि दधीची जी का आश्रम सीतापुर में, क्षेत्र छेमकली मंदिर जो है वो कन्नौज में, भरतकुंड फैजाबाद में, कुंतेश्वर मंदिर बाराबंकी में, सलामत शाह की मजार बाराबंकी में आपको देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इतना आप जरूर करके जाइएगा क्योंकि आपको पर्यटन स्थल से क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं। ठीक है, पर्यटन स्थल को आपको देखते हुए चलना है। देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक, प्रमुख बांध। अगर हम किसी राज्य की बात कर रहे हैं और खास करके उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, बांध एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। रामगंगा बांध किस नदी पर स्थित है? तो रामगंगा स्थान जो है वो आपका स्थिति वो धामपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, धामपुर नामक जगहों पर आपका रामगंगा बांध स्थित है। ठीक है, और गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? गोविंद बल्लभ पंत जो बांध है आपका वो रिहंद नदी पर या आपका स्थित है, और पिपरी सोनभद्र में यह है। उसके बाद गोविंद सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सहजाद नदी पर स्थित है, और इसका जो ललितपुर इसका जगह है। ठीक है, सजनाम बांध किस नदी पर स्थित है? तो सजनाम नदी पर स्थित है, और इसका जो जगह हो जाता है वो आपका ललितपुर हो जाता है। मौदहा बांध किस नदी पर स्थित है? बिरमा, और जो कि इसका स्थान या स्थल हो जाता है हमीरपुर। सुकमा डुकमा बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर स्थित है, जो कि और झांसी में है आपका। फिर चंद्रप्रभा बांध किस नदी पर स्थित है? चंद्रप्रभा बांध आपका चंद्रप्रभा नदी पर स्थित है, और इसका जो स्थिति है वो चंदौली है। ठीक है, कन्हर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कन्हर नदी पर आपका स्थित है, और इसकी जो स्थिति है वो सोनभद्र है। ठीक है, अर्जुन बांध किस नदी पर स्थित है? तो अर्जुन का जो स्थिति स्थान है वो महोबा हो जाता है। झलारपुर बांध किस नदी पर स्थित है? तो करंदिया पे। ठीक है, करंदिया नदी पर इसका जो स्थिति हो जाता है वो महोबा में ही है। स्थिति मतलब वो नदी कहाँ पे है अभी वर्तमान में, तो महोबा में है। पथराई बांध किस नदी पर स्थित है? तो पथारी पे, और सुखमई भी इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, तो स्थान और स्थिति इसकी क्या हो जाती है? झांसी। सहजाद बांध किस नदी पर स्थित है? सहजाद नदी पर, और जिसकी स्थिति हो जाती है वो ललितपुर हो जाती है। रोहिणी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये दोस्तों रोहिणी नदी पर ही स्थित है, और ललितपुर उस जगह का, उस स्पेसिफिक नदी के उस पार्ट का नाम दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, और ये ललितपुर में स्थित है। कालागढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? रामगंगा नदी पर स्थित है, और इसका जगह कौन सा है? कालागढ़। जामनी बांध किस नदी पर स्थित है? तो जामनी नदी पर स्थित है, और इसका जो स्थान हो जाता है वो ललितपुर हो जाता है दोस्तों। पारिच्छा बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर स्थित है, और ये झांसी में पाया जाता है। मेजा बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? बेलन नदी पर स्थित है, और मिर्जापुर में पाया जाता है। अहरौरा बांध किस नदी पर स्थित है? गराई पे, और इसका जो स्थान है वो मिर्जापुर हो जाता है। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर स्थित है, जो कि झांसी में पाई जाती है। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा और झांसी पे। काठी बांध किस नदी पर स्थित है? रामगंगा पे, जो कि बिजनौर में है। ठीक है दोस्तों, ओबरा बांध किस नदी पर स्थित है? तो रिहंद पे, और इसका जो स्थल है वो सोनभद्र माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान और वो कहाँ पाए जाते हैं? देखिए दोस्तों, विभिन्न प्रकार की ऐसी चीजें होती हैं जिसके ऊपर शोध किए जाते हैं, तो उनका जरूरी कोई एक ऐसी जगह होगी जहां पर शोध किया जाता होगा। तो ये शोध जो जिन चीजों के लिए वो जाने जाते हैं और उनका जो स्थान है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, तो ये लखनऊ में पाया जाता है।
ठीक है। उसके बाद केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान भी लखनऊ में पाया जाता है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुष्ठान संस्थान ये भी लखनऊ में पाया जाता है। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन ये भी लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोनेंस ये भी लखनऊ में है। फ्रेंड्स अधिकतम आपको लखनऊ में इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि लखनऊ में इन चीजों के केंद्र पाए जाते हैं रिसर्च के। राष्ट्रीय संस्कृति संपदा संरक्षण अनुसंधान ये भी आपका लखनऊ में पाया जाता है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र ये भी लखनऊ में आपका पाया जाता है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान ये भी लखनऊ में। राष्ट्रीय विश्वविज्ञान अनुसंधान लखनऊ में। नेशनल सुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में। सुगर इंस्टीट्यूट आपका कहां पे है? कानपुर में। पहला अभी तक मिला जिसका कानपुर में देखने को मिल रहा है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये भी कानपुर में दोस्तों। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान इज्जत नगर में मिलता है। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये आपका वाराणसी में मिलेगा, ठीक है। जो हस्तनिर्मित चीजें होती हैं उसका जो इंस्टीट्यूट है जो वो वाराणसी में आपको देखने को मिलेगा। हरीशचंद्र अनुसंधान कहां देखने को मिलता है दोस्तों? इलाहाबाद में देखने को मिलता है। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान ये आपको इलाहाबाद में देखने को मिलेगा, ठीक है। भारतीय चारगाह एवं चारा अनुसंधान ये झांसी में है आपके। केंद्रीय बकरी अनुसंधान कहां देखने को मिलता है? मथुरा में। और इसके बाद में सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल कहां पे हमको देखने को मिलता है? उत्तर प्रदेश में नोएडा में, ठीक है। बीबी गिरी सर, यू हैव 2 मिनट। ओके, तो ये टॉपिक जल्दी से खत्म कर लेते हैं, हमारे पास 2 ही मिनट बचा है। लेवल इंस्टीट्यूट नोएडा में पाया जाता है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिक संस्थान भदोही में पाया जाता है। तो ये वो चीजें हैं जो कि आज हमने पढ़ी। कल हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय और उसके बाद हमारी जो बची हुई 2 स्लाइड्स हैं उनके बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।